गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय श्री स्वामीनारायण। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर डिवाइड किया था, तो उसी मेथड को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग डिवाइड बाय, यहाँ पे देखो थ्री टर्म्स है। हम लोगों ने पहले देखा था वन टर्म्स वाला, दो टर्म्स वाला, यहाँ पे थ्री टर्म्स वाला हम लोग डिवाइड देखेंगे। ओके, तो वही मेथड से करेंगे लेकिन थ्री टर्म्स वाला डिवाइड देखेंगे। ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो x स्क्वायर है, यहाँ पे x फोर टर्म्स है, तो यहाँ फोर टाइम्स है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, देखना x स्क्वायर है, हम लोग इसके साथ कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x फोर टाइम मिलेगा। तो हम लोग अभी भी x टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x को टू टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x है वो फोर टाइम मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x टू टाइम, ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी x फोर टाइम हो गया। अब हम लोग क्या करते थे, आगे साथ में दूसरा टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई इसके साथ कर रहे थे, तो यहाँ पे दो टर्म्स है तो यहाँ पे हम लोग टर्म बाय टर्म लेंगे। ओके, सबसे पहले x को लेंगे, प्लस x है, यहाँ पे प्लस x है लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ यानी थ्री एक्स हो गए, वन एक्स एंड यहाँ पे टू एक्स यानी थ्री एक्स हो गए, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स क्यूब। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है हमें यहाँ पे, आगे वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर तो प्लस वन एक्स स्क्वेयर। हम लोग यहाँ पे प्लस की साइन है माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस की साइन है माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस की साइन है माइनस करेंगे, ये जीरो हो गए। टू यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है यानी वहां यहाँ पे वन है, टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस वन यानी माइनस थ्री एक्स क्यूब आया। इसे ही आगे यहाँ पे है टू एक्स स्क्वेयर, यहाँ पे है माइनस वन एक्स स्क्वेयर यानी कि प्लस वन एक्स स्क्वेयर बचा, दूसरा हम लोग ऊपर से ले लेंगे। आगे वापस यही काम करेंगे जो पहले करते थे हम लोग, कि यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस थ्री एक्स क्यूब मिलेगा। पहले ये देख लो हमें एक्स कितना चाहिए, तो वन एक्स चाहिए हमें, यहाँ पे वन है, हमें थ्री चाहिए यहाँ पे, तो थ्री वन जा थ्री हो जाएगा, यानी हम क्या करेंगे माइनस थ्री एक्स लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे माइनस थ्री एक्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा माइनस थ्री एक्स क्यूब। ओके, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पे माइनस थ्री एक्स है मल्टीप्लाई एक्स यानी कि माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर। ओके, आगे यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे माइनस थ्री एक्स है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी माइनस थ्री एक्स, साइन चेंज कर देंगे, ये कट हो गया, प्लस यहाँ पे हुआ यानी प्लस फोर एक्स स्क्वेयर, ये दोनों के बीच में प्लस यानी वापस प्लस फोर एक्स, ऊपर से फोर हम लोग लेकर आएंगे, समझ गए। अब आगे ऐसे ही वापस इनकी तरह ही देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वेयर है, कितना मल्टीप्लाई करे तो हमें फोर एक्स स्क्वेयर मिले, तो हमें यहाँ पे ऑलरेडी एक्स स्क्वेयर तो है तो हमें एक्स की जरूरत नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ फोर को ही लेंगे क्योंकि यहाँ पे वन है, तो वन के साथ हम लोग फोर का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फोर एक्स स्क्वेयर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस फोर, दोनों का मल्टीप्लाई यानी फोर एक्स स्क्वेयर, एक्स मल्टीप्लाई फोर यानी प्लस फोर एक्स, वन मल्टीप्लाई फोर यानी कि प्लस फोर, साइन चेंज कर देंगे, कट हो गए, जीरो आ गए। तो बेटा यहां पे रिमाइंडर जीरो बचा है तो हम लोग यहां पे लिख देंगे जीरो, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर। तो बेटा इसी टाइप का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्टीन।
इसी टाइप का है, सिर्फ यहाँ पे प्लस की साइन है, यहाँ पे माइनस की साइन है। ओके, मैं आप लोगों को सोल्व करवा रही हूँ, ध्यान से देखना। वैसे आप लोगों को पता हो ये इजी है, हमें समझ में भी आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे हम लोग इसी की तरह देखते जाएंगे टर्न बाय टर्न। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फाइव एक्स क्यूब, तो हमें कितना चाहिए, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देखना। एक्स स्क्वायर है हमारे पास, हमें चाहिए फाइव एक्स क्यूब, हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फाइव एक्स, तो ये हमें फाइव एक्स क्यूब मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फाइव एक्स, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी फाइव एक्स क्यूब। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, थ्री एक्स है मल्टीप्लाई फाइव एक्स करना है, राइट। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टीन एक्स स्क्वायर ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी प्लस ट्वेंटी एक्स, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, ये कट हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा थ्री एक्स, यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि ये प्लस में है, ट्वेंटी है वो माइनस में, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कैसे मैं कर रही हूँ। ओके, ये पहले दिखा दूँ, हमारे पास है फिफ्टीन एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ पे बचेगा थ्री एक्स स्क्वेयर बचा। ऐसे इसमें कैसे करेंगे, हमारे पास है वहां पे माइनस ट्वेंटी प्लस ट्वेल्व यानी कि एट एक्स आएगा प्लस सॉरी माइनस में, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस एट एक्स, ऊपर से ऐसे ही हम लोग लेकर आएंगे। अब वापस यहाँ पे हम लोग देखते जाएंगे, हमारे पास है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो हमें मिलेगा थ्री एक्स स्क्वेयर, तो हम लोग मल्टीप्लाई से थ्री करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वेयर तो हमारे पास ऑलरेडी है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे प्लस थ्री, ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे यानी थ्री एक्स स्क्वायर मिल गया, थ्री थ्री जा नाइन माइनस नाइन एक्स, थ्री फोर जा ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व, साइन चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस की साइन, यहाँ पे प्लस की साइन, यहाँ पे माइनस की साइन, ये कट हुआ। यहाँ पे बचा वन एक्स, वो भी प्लस में, तो सिर्फ मैं एक्स लिख रही हूँ। ओके, एंड यहाँ पे बचा प्लस वन, यानी हमारा यहाँ पे रिमाइंडर बचा है एक्स प्लस वन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फाइनल आंसर है फाइव एक्स प्लस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्टीन। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए, मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, टू एक्स स्क्वेयर है, हमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टू एक्स क्यूब मिलेगा। सिर्फ एक ही एक्स चाहिए क्योंकि यहाँ पे टू है, यहाँ पे भी टू पड़ा है, एक्स स्क्वेयर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, यानी कि हमें सिर्फ एक ही एक्स चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी टू एक्स क्यूब, ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस थ्री एक्स मल्टीप्लाई एक्स यानी कि माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, फाइव मल्टीप्लाई एक्स प्लस फाइव एक्स, साइन चेंज कर देंगे, कट हुआ। यहाँ पे माइनस टू एक्स स्क्वेयर बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस थ्री एक्स फाइव माइनस में, एट प्लस में है माइनस में फाइव है यानी प्लस थ्री एक्स। ओके, वापस आगे कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, टू एक्स स्क्वेयर है हमारे पास एंड हमें चाहिए माइनस टू एक्स स्क्वेयर, क्या चाहिए, माइनस टू एक्स स्क्वेयर, तो हम लोग कितना मल्टीप्लाई करेंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए देखना, तो आप लोगों को कुछ भी ना चाहिए हो मतलब कि हम लोग देखे, हम लोग ऐसे डिवाइड कर रहे हैं
यहाँ पे वन से, तो हम लोग क्या करते हैं, समझ लो यहाँ पे थ्री है, तो हम लोग क्या करते हैं, थ्री वन जा थ्री, वन ही कर देते मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे भी हम लोग वन से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमें माइनस की साइन चाहिए, देखिए तो हम लोग वन है वो माइनस में रखेंगे, ओके। तो यहाँ पे आएगा माइनस वन, अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस थ्री एक्स, ये दोनों का मल्टीप्लाई माइनस माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आएगा प्लस फाइव, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस की ही साइन आएगी। अब हम लोग यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, ये कट हो गया जीरो हो गया, ये कट हो गया जीरो हो गया, ये कट हो गया जीरो हो गया, यानी रिमाइंडर बचा हमारा जीरो एंड फाइनल आंसर बचा है एक्स माइनस वन। अभी भी हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, इसी मेथड का, क्वेश्चन नंबर 15 है। अब यहाँ पे देखना 2x² है हमारे सामने है, 2x² कितना मल्टीप्लाई करे तो हमें मिलेगा 8x⁴। पहले तो x कितना चाहिए वो देख लो, x चाहिए हमें 2, तो x² लिख लेंगे। अब 2 के टेबल में 8 कब आता है, तो 2 4 8 हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4x² मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दोनों का आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2x² मल्टीप्लाई 4x², तो हमें मिल जाएगा 8x⁴। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 4x². अब यहाँ पे 8 है, सॉरी यहाँ पे x है, मल्टीप्लाई 4x² है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4x³ माइनस 1 है, मल्टीप्लाई करना है 4x², यानी माइनस 4x² ही हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, ये जीरो हो गया, 10 में से माइनस 4 करेंगे यानी आएगा 6x³, माइनस 5 प्लस 4 यानी कि माइनस 1x², माइनस 4x एंड प्लस 1, वो ऐसे ही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उनका। वापस आगे, यहाँ पे 2x² है, हमें चाहिए 6x³, तो कितना मल्टीप्लाई करें हम लोग, तो यहाँ पे देखना x² है, यहाँ पे x³ चाहिए, यानी अभी भी एक x चाहिए हमें, तो यहाँ पे 1 टाइम x लिख लेंगे। बाद में 2 के टेबल में 6 कब आता है, तो 2 3 जा 6, यानी कि हम लोग यहाँ पे प्लस 3x लिख लेंगे, क्योंकि 2x² मल्टीप्लाई 3x करेंगे तो हमें मिलेगा 6x³, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6x³। आगे x मल्टीप्लाई 3x यानी कि प्लस 3x² माइनस 1 मल्टीप्लाई 3x यानी कि माइनस 3x। साइन चेंज करेंगे, ये कट हो गया, माइनस माइनस प्लस यानी माइनस 4x² माइनस प्लस माइनस, ये दोनों का माइनस करेंगे यानी माइनस 1x, ऊपर से 1 आ गया प्लस 1। ओके, अभी भी आगे करेंगे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि अभी भी नहीं हुआ है। यहाँ पे 2x² है, मल्टीप्लाई कितना करें हम लोग, तो हमें माइनस 4x² मिले, तो स्क्वेयर तो है, यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, स्क्वेयर हमें x नहीं चाहिए, राइट, यहाँ पे एक भी x नहीं चाहिए,
लेकिन टू टू जा फोर होता है, हमें फोर चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग माइनस टू मल्टीप्लाई करें तो हमें फोर मिल जाए, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माइनस टू, टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस फोर एक्स स्क्वेयर, एक्स मल्टीप्लाई माइनस टू करेंगे यानी माइनस टू एक्स, माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस टू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस टू, यहाँ पे साइन चेंज करेंगे, प्लस की साइन यहाँ पे भी, प्लस की साइन यहाँ पर, माइनस की साइन, ये कट हो गया। यहाँ पे देखना माइनस यहाँ पे प्लस है, यानी कि यहाँ पे वन टाइम एक्स बच रहा है, देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हमारे पास है टू एक्स माइनस वन एक्स, यानी कि वन एक्स बचा, तो यहाँ पे हमारे पास एक्स बचा, आगे वन लिखू या ना लिखू उसका कुछ भी मीनिंग नहीं, ओके। एंड माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, एक्स माइनस वन, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे रिमाइंडर इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, एंड हमारा फाइनल आंसर क्या आया है, फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू। समझ गए? तो बेटा आप लोगों का आज का होमवर्क है यही मेथड का, एग्जाम्पल नंबर थ्री से लेकर एट, यही मेथड के है एग्जाम्पल नंबर थ्री से लेकर एट। अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना बेटा, ओके, अपना ध्यान रखना, थैंक यू सो मच।